फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल व्लॉग्स बाय मोहित। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी घटना जो भारत में केरल में हुई थी। 2001 में भारत के केरल में खूनी बारिश हुई थी। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा सुनकर, खूनी बारिश बिल्कुल लाल रंग की, जिसके पीछे का रहस्य अभी तक साइंटिस्ट विज्ञान खोज नहीं पाए हैं। कई बार प्रकृति अपने ऐसे अनोखे रूप दिखाती है जिसे समझने में आम इंसान तो क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा ही वाक्य 19 साल पहले दक्षिण भारत के केरल में हुआ, जिसका सच आज भी कोई नहीं जान पाया है। 5 जुलाई 2001 को केरल में लाल रंग की बारिश हुई थी। खून के रंग की बारिश को देखकर केरल के लोग दंग रह गए। आइए जानते हैं इसके बारे में कि आसमान से खून की बारिश हुई, इसके पीछे की पूरी कहानी। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रेड रेन इन केरला। आपको बता दें कि साल 2001 में केरल के दो जिले कोयट्टम और इडुक्की में लाल रंग की बारिश हुई थी। ये बात 25 जुलाई 2001 की है। उस दिन अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी। तेज हवाओं के साथ बादलों में से बिजली के कड़कने की भी आवाज़ आने लगी थी। अचानक से बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन केरल के लोग जब बारिश के पानी का रंग देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल पानी का रंग बिल्कुल खून की तरह लाल था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि यह बारिश लाल रंग का पानी कपड़ों पर खून की तरह पीले रंग के जो दाग होते हैं वो छोड़ रहा था। लोगों का यह भी कहना है कि इस तरह के लाल रंग की बारिश केरला में 1896 में भी हुई थी। उसके बाद 2001 में और फिर 2012 में भी इसी तरह की बारिश हुई थी। क्या था इस लाल रंग की बारिश का कारण? 2001 में बारिश के पानी के सैंपल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज यानी CESS के पास भेजे गए। इस मामले में CESS का मानना था कि किसी उल्का पिंड के फटने की वजह से यह लाल रंग की बारिश हो रही है। हालांकि बाद में यह थोड़ी गलत साबित हुई और इसके बाद बारिश के पानी के सैंपल को ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TBGRI को भेजा गया। वहाँ माइक्रोस्कोपिक जांच में सामने आया कि बारिश का रंग लाल होने का कारण एक प्रकार का शैवाल यानी एल्गी होता है। इस शैवाल की छोड़ी हुई काई और जीवाणुओं से ही इस बारिश का पानी लाल हुआ है। हालांकि केरल के बादलों में ये जीवाणु कैसे पहुँचे, ये रहस्य आज